तो चलिए दोस्तों, हम जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर हमारा चल रहा था, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है इंट्रोडक्शन कर लिया था एडमिशन चैप्टर का, कि एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का ओवरव्यू हमने कर लिया था कि क्या क्या हमें जो है इस चैप्टर में करना होता है और एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एडजस्टमेंट्स बताई थी कुछ, कि हमें जो है कुछ नए पार्टनर के आने पर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसमें सबसे पहली एडजस्टमेंट मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिखाना आपको बताया था। तो आज की वीडियो में हम जो है यही करेंगे कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा निकाला जाता है और ये क्यों निकाला जाता है, उसके बारे में हम जो है आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए आइए, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमारा एक टॉपिक था, आज हम जो है उसको करने जा रहे हैं, वो एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने आपको बताया था ये एडजस्टमेंट, जिसको हम जो है आज की वीडियो में बोलेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्या लिखेंगे कि हम जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने जा रहे हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला क्यों जाता है। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में जो है नए पार्टनर का एडमिशन करना, यानी कि उसको एडमिट करना, उसको प्रॉफिट देना, उससे कैपिटल लेना। सबसे पहली बात मेन इसमें बात आ जाती है कैपिटल की। बिजनेस में जो है कैपिटल नया पार्टनर लाता है, पैसा लगाता है, तो उसको प्रॉफिट तो चाहिए, उसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा चाहिए होता है। अगर मैं बात करूँ, एक पार्टनरशिप फर्म में ए और बी पार्टनर थे जो कि 3:2 की रेशियो में चलते थे, यानी कि 5 हिस्से थे जिसमें 3 लेता था ए, बी लेता था 2। अब इनको कुछ कुछ शेयर छोड़ने पड़ेंगे सी की वजह से, उसमें सी को हम एडमिट करेंगे। लाइक हमने अगर एक एक शेयर छोड़ के इसका 1 रख दिया, तो हमें जो है एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा नए पार्टनरशिप फर्म का। मतलब पहले 2 पार्टनर थे, अब हो गए 3, अब 3 हिस्से होंगे। लाइक अब देखो, इससे 6 हो गए, जिसमें से 3 ले रहा था ए, बी ले रहा था 2 और 1 ले रहा था सी। हमें जो है अब नया हिस्सा निकालना पड़ेगा, क्योंकि नए पार्टनर को भी अपने प्रॉफिट का शेयरिंग, प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा चाहिए। लाइक लॉस की तो अगर संभावना ना हो, प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए, क्योंकि वो कैपिटल लगा रहा है। तो इसी वजह से हमें जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है। ठीक है, नए पार्टनर को प्रॉफिट चाहिए होता है क्योंकि वो पैसा लगाता है बिजनेस में, उसको कुछ हिस्सा चाहिए होता है, और उसका क्या हिस्सा रखा जा रहा है वो हमें निकालना पड़ता है, और इसे ही हम बोलते हैं एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में जो है ओल्ड रेशियो होता था, और हमें अब उसी ओल्ड रेशियो से जो है एक नया रेशियो निकालना पड़ता है, जिस टॉपिक को हम बोलेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, बेसिकली इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3 सिचुएशन में बांटा गया है, और 3 केसेस के आपके एग्जाम में भी बनते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वही 3 केस, कि कौन कौन से आखिर वो 3 केस हो सकते हैं। सबसे पहले केस की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको नए पार्टनर का शेयर गिवन है कि 1/5 शेयर या 1/4 शेयर या 1/6 शेयर में जो है नया पार्टनर एडमिट आ रहा है। मैं लिख देता हूं ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है कि भैया इतने शेयर में जो है नए पार्टनर को एडमिट किया गया, तब कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, उसकी हम बात करेंगे। फिर दूसरी सिचुएशन क्या करती है, दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि जो न्यू पार्टनर है वो शेयर एक्वायर करे ओल्ड पार्टनर से, मतलब परचेज करे पिछले पार्टनर से अपना शेयर, तो कैसे निकाली जाती है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर, हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, तब कैसे निकाला जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और थर्ड सिचुएशन क्या बनती है कि जो ओल्ड पार्टनर है अगर कुछ शेयर सरेंडर कर देते हैं न्यू पार्टनर के फेवर में, तो तब कैसे जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली जाएगी। इसे क्या बोलेंगे हम कि व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर हिज हर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तब कैसे निकाला जाएगा। पहली सिचुएशन क्या कि सिर्फ नए पार्टनर शेयर आपको गिवन हो कि 1/5 शेयर पे आया है, 1/6 शेयर पे आया है, तब कैसे निकाला जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि नया पार्टनर जो है कुछ शेयर एक्वायर कर रहा है, यानी कि परचेज कर रहा है ओल्ड पार्टनर से, तब कैसे निकाला जाएगा। और तीसरा केस कि जब ओल्ड पार्टनर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि जो एग्जिस्टिंग यानी कि ओल्ड पार्टनर है वो अपना शेयर, यानी कि वो अपना शेयर छोड़ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं नए पार्टनर के फेवर में, तब कैसे निकाला जाएगा।
अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे ये वाला केस हो, ठीक है, चाहे ये वाला केस हो, चाहे ये वाला केस हो, या चाहे ये वाला केस हो, तीनों के अंदर जो पुराने पार्टनर है उनको अपना शेयर कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ शेयर त्यागना पड़ेगा, तभी नए पार्टनर को गेन होगा। एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी दूसरे को गेन हो सकता है। चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, या चाहे ये केस हो, तीनों के अंदर पार्टनर को जो है अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी जो है नया पार्टनर गेन करेगा। तो हमने ये जान लिया कि यहाँ एक और रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि जो ओल्ड पार्टनर है वो कितना अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये हमें जो है हर क्वेश्चन में निकालना पड़ता है। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है? इसका फॉर्मूला रहता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो हमें गिवन है तो न्यू रेशियो हमने निकाल दिया, वो माइनस कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। इससे ये पता लग जाएगा कि ओल्ड पार्टनर जो है उन्होंने कितना जो है सेक्रीफाइस किया है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलवेज ओल्ड पार्टनर का निकाला जाता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं वही त्यागते हैं अपना शेयर, तभी नया पार्टनर गेन करता है। एक छोड़ेगा तभी दूसरा गेन करेगा। यो हमने सुना है एक शायरी भी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो भैया एक को खोएगा तभी दूसरा पाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी सेक्रीफाइस कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर करेंगे। तो इससे हमें जो है ये पता लग जाएगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा कि कितने कितने रेशियो में जो है ओल्ड पार्टनर ने अपना शेयर को त्यागा है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम जो है इलस्ट्रेशन करते हैं और इन सारे केसेस को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये जो है काम किया जाता है। सबसे पहले हम केस करेंगे कि ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर नए पार्टनर का शेयर हमें गिवन हो तो किस तरीके से जो है पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, तो मैं इलस्ट्रेशन वन की हेल्प से जो है आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है ये अगर सिर्फ नए पार्टनर का शेयर हमें गिवन हो तो किस तरीके से जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको जो है बुक की लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके जो है बुक टू डाउनलोड कर सकते हैं। और बुक टू का जो है चैप्टर टू पेज नंबर 246 आप खोल लीजिए, 245 और 246 पे जो है हमें इलस्ट्रेशन वन गिवन है, उसको हम जो है करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो है ये केस डिस्कस होता है कि अगर सिर्फ नए पार्टनर का शेयर हमें गिवन हो तो किस तरीके से जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है। मैं इलस्ट्रेशन पढ़ लेता हूँ। इलस्ट्रेशन के अंदर लिखा हुआ है कि दीपक एंड विवेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, यानी कि दो पार्टनर हैं दीपक और विवेक। ठीक है, मैं दीपक इस टू विवेक लिख देता हूँ, दो पार्टनर है जो कि रेशियो बांट रहे हैं अपना 3:2, 3:2 की रेशियो बांट रहे हैं, मतलब 5 हिस्से हैं फर्म के अंदर, जिसमें से 2-3 ले रहा है दीपक, 2 ले रहा है विवेक। ये हमारा कौन सा रेशियो हुआ? ओल्ड रेशियो हुआ, यानी कि ओल्ड पार्टनरशिप फर्म का। फिर उन्होंने बोला है कि वो आशु को जो है एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, भैया नया पार्टनर आ रहा है आशु, ठीक है, और उसको जो है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, 1/5 शेयर। देखो यहाँ पे शेयर सिर्फ गिवन है हमें, और हमें जो है बताया गया है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या है कि सिर्फ शेयर गिवन है नए पार्टनर का, किस तरीके से अब जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाएगा। देखो सिर्फ जो है हमें नए पार्टनर का शेयर गिवन है, ओल्ड पार्टनर का शेयर हमें निकालना पड़ेगा नया वाला, तभी जाके तीनों का जो है नया शेयर निकलेगा। चलिए अब इस केस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम जो है कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। इस खास कर इस केस में हम क्या करते हैं, पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मानते हैं। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे कि लेट दी फर्म प्रॉफिट, लेट दी फर्म प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। इसमें हम क्या करते हैं, केस में सबसे पहले फर्म के जो प्रॉफिट है उसको 1 मानते हैं और देखते हैं नए पार्टनर का शेयर कितना है। अगर देखें न्यू पार्टनर शेयर, अगर नए पार्टनर का हम शेयर देंगे तो कितना है, 1/5 का शेयर है, 1/5 शेयर है ना, तो 1/5 का शेयर है। तो मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट में से जो है वो 1/5 शेयर लेगा, यही है कि वो प्रॉफिट में से जो है 1/5 शेयर अपना लेगा। तो मैं अगर बोलूं तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट भी आप इसको मान सकते हैं, तो रिमेनिंग शेयर मैं देख लेता हूँ, लिख लेता हूँ इसको, रिमेनिंग शेयर कितना बचा कि अगर प्रॉफिट में से वो 1/5 शेयर लेगा तो 1 प्रॉफिट हुआ हमारा, माइनस करेंगे 1/5 शेयर, यही तो है 1 - 1/5 ही तो होगा, 1 - 1/5। ठीक है,
और देखते हैं अब कितना शेयर बचा, 1 में से 1/5 मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि वो प्रॉफिट में से ही नया शेयर लेगा। हमें यही करना पड़ता है इस केस के अंदर, और इसका आंसर जो आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। रिमेनिंग शेयर बचा हमारा कितना, 4/5। कैसे बचा भैया, ऐसे जो जाता है सिस्टम मैथ के अंदर उसमें हम करते हैं मल्टीप्लाई, 5 1 5, अब माइनस किया 1 तो 4/5, नीचे डिनोमिनेटर 5 रहेगा, ऊपर 4 आ जाएगा। अगर मान लो प्लस होता तो यहाँ 6 आ जाता, लेकिन यहाँ माइनस है, देखो 5 1 5, माइनस कर दिया 1 तो 4 बचा, 4/5 आ गया। अगर प्लस होता तो 6/5 आता, लेकिन माइनस है तो 4/5 ही आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हमारा रिमेनिंग शेयर बचा कितना, 4/5 हमारा रिमेनिंग शेयर बचा। अब जो ओल्ड शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड शेयर हैं इसको रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, नया शेयर निकल के आ जाएगा। चलिए अब निकाल लेते हैं। अब हमारा पहला पार्टनर है दीपक, तो दीपक का शेयर क्या निकलेगा देख लेते हैं। दीपक शेयर, दीपक का जो ओल्ड शेयर है वो 3:2 है ना, तो 3/5 का ओल्ड शेयर बना, 5 में से 3 हिस्से ले रहा है, तो 3/5 इंटू कर देंगे 4/5 से। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12/25 जो है इसका आंसर आ जाएगा, मतलब दीपक का शेयर क्या निकला, 12/25। चलिए अब विवेक का शेयर निकाल लेते हैं, नया शेयर विवेक का कैसे निकलेगा। विवेक शेयर भैया, जो विवेक का शेयर निकलेगा ओल्ड शेयर उसका 2/5 है, उसको इंटू कर देंगे रिमेनिंग शेयर से 4/5 से, तो आ जाएगा 2 4 8 5 5 25। ठीक है जी, चलिए। और नए पार्टनर का शेयर तो वैसे ही गिवन था हमें, क्या था नए पार्टनर का नाम था आशु, आशु का तो शेयर वैसे ही गिवन था, आशु शेयर, आशु का शेयर हमें जो है 1/5 वैसे ही गिवन था। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ जो है डिनोमिनेटर में भी 25 है, दीपक के शेयर में भी 25 है, और विवेक के भी शेयर में 25 है, तो भैया इसको भी 25 बना लेते हैं। अब इसको 25 बनाने के लिए ऐसे डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से इंटू करना पड़ेगा हमें जिससे 25 आ जाए, तो भैया हमें पता है कि 5 5 25 होता है, तो इंटू 5 डिवाइड बाई 5 भी कर दो, ताकि वो नंबर न्यूट्रल रहे। हमने इंटू भी 5 कर दिया, डिवाइड बाई 5 कर दिया, नंबर न्यूट्रल रह गया। ठीक है, तो वो जीरो ही बना, नंबर न्यूट्रल है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5/25। ठीक है, अब ये नंबर न्यूट्रल ही है, वही सेम नंबर है, 1/5 ही है। आप अगर कोई प्रॉफिट को उठा के 5/25 में डिवाइड करोगे तो आंसर वही आएगा, 1/5 में भी करोगे वही आएगा आंसर, नंबर न्यूट्रल है। ठीक है, बस इसको 25 बनाने के लिए मैंने ये काम जो है किया है। चलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया हमारा, क्या निकल के आ गया यहाँ, अगर लिखे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्या बना हमारा, 12/25 is to 8/25 is to 5/25। ठीक है, अब बेसिकली रेशियो के अंदर हम डिनोमिनेटर नहीं लिखते, ठीक है, सिर्फ हम जो है न्यूमिनेटर लिखते हैं, तो रेशियो हमारा निकल के आ गया 12:8:5, हमारा जो है न्यू रेशियो निकल के आ गया, 12:8:5 हमारा जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, अगर सिर्फ नए पार्टनर का शेयर गिवन हो तो हम इस तरीके से जो है रेशियो निकालते हैं, फर्म के प्रॉफिट को 1 मानते हैं और उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करके रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं, और ओल्ड पार्टनर के शेयर को हम जो है रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर निकल के आ जाता है, और न्यू शेयर हमें जो है न्यू पार्टनर का वैसे गिवन रहता है, तो हम इस तरीके से जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, इसमें जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब भैया ओल्ड रेशियो भी हमें पता है, ओल्ड रेशियो क्या है, 3/3:2 का ओल्ड रेशियो है दीपक विवेक का, और न्यू रेशियो हमने अभी अभी निकाल लिया, 12:8 का जो है न्यू रेशियो है, 5 तो न्यू पार्टनर का हो गया। चलिए निकाल लेते हैं, और हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकलता है, ओल्ड पार्टनर का, तो यहाँ पे पहला ओल्ड पार्टनर दीपक है, तो दीपक का अगर शेयर निकाले सैक्रिफाइसिंग में तो उसका ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 है। ठीक है, माइनस कर देंगे न्यू रेशियो कितना है, अब ये तीनों मिला के 25 होता है, तो 12/25 हो गया, 25 शेयर में से 12 ले रहा है, तो 12/25 जो कि अभी अभी हमने निकाला वो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए इस नीचे डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लें, एलसीएम जो आप लेंगे तो आपका जो है 25 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम टेबल में आते हैं और बड़ा नंबर एलसीएम रहता है, एलसीएम लेंगे तो 5 5 और 25 का डिनोमिनेटर का, तो 25 आ जाएगा। चलिए अब मैथमेटिक की प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए, इनको जो है मल्टीप्लाई आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू होगा, सबसे पहले यहाँ से होगा मल्टीप्लाई क्रॉस, फिर यहाँ से होगा। ठीक है, चलिए 25 into 3 ये आ गया 75, माइनस कर देंगे 5 into 12 60 आ गया। ठीक है,
और माइनस अगर करेंगे तो 15/25 जो है इसका आंसर आ जाएगा, और अगर इसको 5 से ही काटे तो ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, 5 3 15 और 5 5 25, चलिए 3/5 आंसर आ गया। अब निकाल लेते हैं विवेक का, विवेक का शेयर क्या निकलेगा सेक्रीफाइस। विवेक का जो ओल्ड शेयर है 2/5 का ओल्ड शेयर है, माइनस कर देंगे 8/25 जो उसका न्यू शेयर अभी अभी हमने निकाला। चलिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू कीजिए पहले यहाँ से फिर यहाँ से। 25 2 क्या होता है 50, और माइनस कर देंगे 5 8 40। ठीक है, तो यह आ जाएगा 10/25। चलिए 10/25 इसको भी 5 से काटिए, 5 2 10 और 5 25, तो 2/5 जो है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। और हम मैंने पहले ही बोला था कि डिनोमिनेटर नहीं लिखते इसके अंदर, और डिनोमिनेटर अगर हम नहीं लिखते तो हमारा जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा, न्यूमिनेटर सिर्फ लिखिए 3:2 का जो है रेशियो बनेगा, और इन दोनों को मिला के ही 3/5 और 2/5 ही होगा 5 से। मतलब कि अगर हम देखें तो ओल्ड रेशियो, मोस्टली इन केस ओल्ड रेशियो ही हमारा जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहता है। तो इस तरीके से जो है, अगर नए पार्टनर का शेयर गिवन हो तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है, और इस तरीके से जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अभी। चलिए अगला क्वेश्चन अब कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है अगला जो है केस कर लेते हैं कि अगले केस में जो है क्या किया जाएगा। ठीक है, और अगला केस अगर हम देखें तो अगला केस हमारा क्या बनता है कि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर यानी कि परचेज कर रहा है अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से, तब कैसे जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाएगा। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप खोल लीजिए, वहां से हम सीखेंगे कि ये वाला केस जो है कैसे किया जाएगा जब न्यू पार्टनर जो है अपना शेयर एक्वायर यानी कि परचेज कर रहा है ओल्ड पार्टनर से। ठीक है, यहां लिख देता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमारा जो है पेज नंबर 246 पर गिवन है। उसमें लिखा हुआ है कि नेहा एंड प्रतीक आर द पार्टनर। मैं यहां पे लिख देता हूं कि नेहा इज टू प्रतीक जो है पिछले पार्टनर थे यानी कि ओल्ड पार्टनर थे, और उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो था 5:3 का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, और दे एडमिटेड निशु एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, यानी कि 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट में जो है ये नीतु को एडमिट कर रहे हैं। मतलब इसका नए पार्टनर का हमें शेयर गिवन है, तो चाहे पिछले केस वाले से भी जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं चाहिए, हम तो एक्वायर वाला सीख रहे हैं। और आगे इसके लिखा हुआ है कि जो न्यू पार्टनर है यानी कि मैं लिख देता हूँ निशा हमारी जो है न्यू पार्टनर है वो क्या कर रही है, वहाँ लिखिए कि शी एक्वायर दिस शेयर एज 1/8 फ्रॉम नेहा। मतलब कि वो क्या कर रही है, 1/8 शेयर जो ले रही है वो किससे ले रही है, फ्रॉम नेहा से ले रही है, मतलब ओल्ड पार्टनर से 1/8 शेयर का जो है वो परचेज कर रही है। और दूसरा क्या कर रही है कि 1/24 शेयर फ्रॉम प्रतीक, 1/24 शेयर जो ले रही है वो प्रतीक से ले रही है, फ्रॉम प्रतीक। चलिए क्या लिखा इसमें, क्या हुआ कि निशा ने क्या किया, 1/8 शेयर जो है नेहा से परचेज किया, और 1/24 शेयर जो है ओल्ड पार्टनर यानी कि प्रतीक से जो है लिया। अब हमें जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। देखो इस केस के अंदर क्या है कि एक्वायर हो रहा है शेयर यानी कि नया पार्टनर क्या कर रहा है, अपना शेयर परचेज कर रहा है, तो तब कैसे जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाएगा इस सिचुएशन के अंदर। यहाँ पे हमें जो है नए पार्टनर का शेयर भी गिवन था, तो हम पिछले वाले केस से भी निकाल सकते थे, लेकिन अभी हमें ये केस सीखना है तो हमें जो है सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो है शेयर निकालना बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे सबका जो है ऐसी ही शेयर निकल के आ जाएगा। अगर हम देखें, आप क्या करो कि जो ओल्ड पार्टनर का शेयर है उसमें से ये माइनस कर दो जो शेयर उन्होंने लिया है, जो शेयर नए पार्टनर ने लिया है, तो इससे ओल्ड पार्टनर का शेयर निकल के आ जाएगा, और न्यू पार्टनर का इन दोनों को जोड़ दो जितने जितने उसने शेयर लिए हैं, तो न्यू पार्टनर का भी शेयर निकल के आ जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम जो है ओल्ड पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं, नया वाला नेहा ओल्ड पार्टनर है, तो नेहा का क्या बना शेयर, नेहा का शेयर मैंने गलत लिख दिया शेयर की स्पेलिंग, यहाँ पर शेयर लिख देता हूँ मैं, नेहा का शेयर, नेहा शेयर। अगर हम नेहा की बात करें तो नेहा का जो ओल्ड शेयर कितना था, 5:3 है, मतलब कितने रेशियो 8 हिस्से हैं, 8 में से 5 ले रही है, तो 5/8 है, उसमें से माइनस कर दो जितने शेयर उसने लिए हैं, भैया 1/8 उसने जो है माइनस कर देते,
1/8 का शेयर दिया है ना नए पार्टनर को, तो वो माइनस कर दो, न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। चलिए अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 8 ही आएगा नीचे, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है, और 5 माइनस 1 कर दें हम तो हमारा निकल के आ जाएगा 4/8। 4/8 का जो है न्यू शेयर है किसका, नेहा का। चलिए नेहा का तो निकल के आ गया। अब प्रतीक का निकाल लो, प्रतीक का क्या शेयर बना भैया, प्रतीक के साथ भी वही सीन होगा। प्रतीक का ओल्ड शेयर देखो कितना है, 3/8 का ओल्ड शेयर है, और माइनस कर दो 1/24 जो उसने न्यू शेयर दिया है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करो, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले 8 वाले को चेंज कर दो, जैसे एक पिछले क्वेश्चन में किया था। मैं यहाँ पे अगर मिटा देता हूँ, यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर 24 चाहिए तो इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको पहले 24 बना देता हूँ। 8 को मैं किस नंबर से इंटू कर दूँ और डिवाइड करूँ कि 24 बने, भैया 8 को आप जो है 3 से कर दो तो 24 बन जाएगा, 8 3 24, तो इंटू 3 कर दिया, डिवाइड बाय 3 कर दिया कि नंबर हमारा न्यूट्रल रहे, तो यह क्या आ जाएगा 9/24। अब 3/8 या 9/24 सेम ही रेशियो होता है, अगर प्रॉफिट को आप 3/8 में डिवाइड करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, 9/25 में आप जो है डिवाइड करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, उसमें से अब हम माइनस करेंगे 1/24। तो भैया डिनोमिनेटर अब सेम हो गया तो 24 आ गया, 9 - 1 = 8, 8/24 जो है ये आ गया। किसका शेयर, प्रतीक का शेयर। चलिए अब जो है नए पार्टनर जो है हमारी कौन है, निशा, उसका शेयर निकाल लेते हैं। यहाँ मैं कर देता हूँ निशा शेयर, इसका शेयर निकालना बहुत आसान है। निशा ने तो भैया 1/8 लिया नेहा से, प्रतीक से 1/24 लिया, तो 1/8 प्लस कर देंगे 1/24, तो हमारा जो है न्यू शेयर भी निकल के आ जाएगा। और भैया इसको भी हमें जो है पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जो है मिटा देता हूँ इसको, पहले डिनोमिनेटर को सेम करूँगा, 3 * 2 और डिवाइड बाई 3 कर दूंगा, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/24। 1/8 और 3/24 एक ही न्यूट्रल रेशियो है, अगर प्रॉफिट को आप इंटू डिवाइड करोगे 3/24 में या फिर 1/8 में, आंसर आपका सेम आएगा। उसमें मैं प्लस कर देता हूँ अब क्या, 1/24 जो हमारा वैसे 24 का रेशियो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4/24 निकल के आ गया। ठीक है, तीनों का हमारा जो है न्यू शेयर निकल के आ गया। और अगर हम देखें मेजोरिटी ऑफ जो डिनोमिनेटर है वो 24 है, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24, तो भैया इसका भी 24 कर लेते हैं। 8 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 8 को हम इंटू 3 से करेंगे, डिनोमिनेटर को 24 आ जाएगा, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो इसका भी निकल के आ जाएगा, 4 3 = 12, 8 3 = 24, तो 12/24 आ गया। ठीक है, 12, 8 और 4 = 24 ही होता है, तो भैया इसको हम अगर कैसे लिख सकते हैं, न्यू रेशियो हमारा क्या निकला, न्यू रेशियो हमारा जो निकला वो क्या निकला, 12:8:4 का जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा निकला। अगर इसको और छोटा हम करें तो और छोटा भी हो सकता है, किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं हम। ठीक है, और क्या क्या आ जाएगा, 4 3 = 12, 4 2 = 8 और 4 1 = 4, 3:2:1 का जो है न्यू रेशियो निकल के आ गया, और छोटा कर दिया हमने। ठीक है, तो अगर एक्वायर हो शेयर तो आप क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर से जितना शेयर परचेस किया गया है वो माइनस करेंगे, तब उस ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर निकल के आ जाएगा, और जितना शेयर एक्वायर किया है परचेस किया उसको प्लस कर देंगे तो नए पार्टनर का नया शेयर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जा सकता है। ठीक है, अब इस केस के भी अंदर हम जो है सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइजिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर का निकलेगा, ओल्ड पार्टनर इसमें जो है नेहा और प्रतीक है, तो नेहा और प्रतीक का हम जो है सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। नेहा का शेयर पहले निकलेगा, नेहा का अगर ओल्ड शेयर हम देखें तो कितना बनता है, नेहा का जो ओल्ड शेयर है आप यहाँ पे देख सकते हैं 3/5 है। ठीक है, 5/3 है, तो 5/8 जो है नेहा का ओल्ड शेयर बनता है, तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे अगर माइनस करें तो 3/6 हमारा जो है शेयर बनता है, 3/6। अब इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम अगर यहाँ पे ले तो कितना बनता है, एलसीएम यहाँ पे 24 जो है एलसीएम बनता है, आप अगर मैनुअली एलसीएम लेके देखोगे तो आपका जो है एलसीएम 24 आ जाएगा। चलिए एक और तरीका मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको यहाँ पे माइनस करने का, सबसे पहले 24 आ गया शेयर, अब 8 के टेबल में 24 कितना आता है, 3 पे आता है, भैया यहाँ पे तो हमें पता लग गया 3, इसको इंटू कर दो आप 5 से, कितना बना 15 बना, 3 5 = 15। और 6 के टेबल में 24 कितना आता है, भैया 6 के टेबल में जो है 24 आता है 4 पे, इसको इंटू कर दो 3 से ऊपर वाले से, तो कितना बना, माइनस यहाँ डाल दो बीच में, 4 3 = 12, 15 - 12 ये आ गया 3/24। ठीक है जी, चलिए ये निकल गया। अब निकाल लेते हैं प्रतीक का, सेम तरीके से हम ये नया तरीका और सिखाने जा रहा हूँ, बहुत तरीके हैं इसके। ठीक है, ये आ गया 3/8। ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस कर देंगे 2/6 जो कि न्यू शेयर है, देखो 2/6 है ना न्यू शेयर।
चलिए अब इसको इनटू करें, आप पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर कर लेंगे तो 24 आ जाएगा। 4 के टेबल में 24 कितने पे आता है, 3 पे आता है, इनटू कर दो 3 से और ऊपर वाले से, 3 3 9, माइनस डाल दो बीच में। 6 के टेबल में 4 पे आता है, इनटू कर दो 2 से, 4 2 8, 9 8, तो ये आ जाएगा 1/24, ठीक है। और अगर रेशियो हम देखें कितना बना यहाँ पे, 1/24 बना, ठीक है। और डिनोमिनेटर को आप इग्नोर करते हैं हम, तो 3:1 का जो है रेशियो बना, यानी कि कितने शेयर, 4 में से 3 और 1, यानी कि हमारा सेक्रीफाइसिंग इस सिचुएशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो थोड़ा अलग निकल के आ गया, 3:1 का, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब जो है हम ये वाला केस कर लेते हैं कि इस केस में कैसे जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाएगा, कि जब जो है ओल्ड पार्टनर अपना शेयर सरेंडर कर देता है न्यू पार्टनर के फेवर में। इस केस को हम जो है करने जा रहे हैं इसकी अब इस टॉपिक के अंदर। चलिए अब यहाँ पे हम जो है ये वाला केस कर लेते हैं, थर्ड इलस्ट्रेशन हमारा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है मैं कर लेता हूँ, जिससे हमें जो है ये वाला केस समझ में आ जाएगा कि जब जो है ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं, अपना शेयर सरेंडर कर रहे हैं न्यू पार्टनर के फेवर में। चलिए हिम एंड राज जो है इस इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि 5:3 की रेशियो में बांट रहे हैं अपना रेशियो, यानी कि हिम इस टू राज का जो है यहाँ पे ओल्ड शेयर है कितना, 5:3 का, ये ओल्ड पार्टनर है, इनका ओल्ड शेयर है 5:3 में जो है ओल्ड शेयर अपना बांट रहे हैं। जॉली को जो है वो एडमिट कर रहे हैं, जॉली न्यू पार्टनर है, एडमिट कर रहे हैं वो, और क्या कर रहा है, हिम जो है वो सरेंडर कर रहा है 1/5, भैया हिम क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है 1/5, 1/5 को, ठीक है। ऑफ इस शेयर एंड राज 1/3 ऑफ इस शेयर, राज जो है अगला पार्टनर वो क्या कर रहा है, 1/3 शेयर सरेंडर कर रहा है अपना, और हमें बोला गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाए, ठीक है। भैया जॉली के लिए जो है 1/5 का रेशियो सरेंडर हो रहा है और 1/3 का रेशियो जो है जॉली राज जो है सरेंडर कर रहा है, अब हमें जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और ये केस तो उससे भी ज़्यादा आसान है निकालने का। अगर ये सिचुएशन आपके पास पहले आती है तो पहले हम रियल सरेंडर निकालेंगे कि आखिर किस रेशियो में जो है सरेंडर किया गया, सरेंडर का पहले रेशियो निकाला जाएगा। चलिए सॉल्यूशन में मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हिम का जो है सरेंडर हम निकाल लेते हैं, सरेंडर का रेशियो निकलता है उसमें, हिम का सरेंडर कैसे निकलेगा, आप भैया क्या करें, जितना सरेंडर हो रहा है उसको इनटू कर दीजिए उसके ओल्ड शेयर से, तो सरेंडर का रेशियो निकल के आ जाएगा। हिम का ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3 5/8 हो गया, ठीक है, क्योंकि 8 शेयर में से 5 हिम ले रहा है ना, तो 5/8 इसका ओल्ड रेशियो हो गया, उसको इनटू कर दो जितना वो सरेंडर कर रहा है, कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5 का वो जो है सरेंडर कर रहा है, तो उसका सरेंडर का रेशियो निकल के आ जाएगा, कितना आ गया, 5 1 5, 8 5 40, और इसको काटें अगर 5 के टेबल में तो 1/8 का जो है शेयर उसके जो है सरेंडर शेयर है, ठीक है। चलिए हिम का जो निकल के आ गया, अब राज का निकाल लेते हैं, राज सरेंडर, राज का अगर सरेंडर निकाले तो उसका ओल्ड रेशियो है 3/8, उसको इनटू कर देंगे उसके सरेंडर से, 1/3 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 3 और 8 3 24, ठीक है। तो अगर इसको 3 से ही काटेंगे तो 3 1 3, 8 24 आ गया, तो 1/8 इसका भी आ गया, 1/8 और 1/8 के रेशियो में जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर का रेशियो अब निकल गया। अब भैया तीनों का जो है न्यू शेयर निकल के आ जाएगा, जितना सरेंडर किया है वो माइनस कर दो यहाँ पे। चलिए अब हिम का जो है न्यू शेयर निकाल लेते हैं, हिम न्यू शेयर, हिम का जो ओल्ड रेशियो कितना था, हिम का जो ओल्ड रेशियो था वो था 5/8, जो कि अभी अभी हमने देखा, उसमें से माइनस कर दो जितना सरेंडर किया है, सरेंडर का रेशियो हमने निकाल लिया, 1/8 माइनस किया है, तो भैया डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 8 आ जाएगा, 5 - 1, 4/8 जो है इसका न्यू शेयर निकल के आ गया। चलिए अब जो है राज का न्यू शेयर निकाल लेते हैं, जो ओल्ड पार्टनर है राज न्यू शेयर, उसका ओल्ड शेयर कितना था, 3/8 का ओल्ड शेयर था, अभी ये सरेंडर का रेशियो अभी अभी हमने निकाला, 1/8 का था, वो माइनस कर दो बस जितना सरेंडर किया है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 8 आ जाएगा, 3 - 1 ये आ जाएगा 2, तो 2/8 जो है इसका न्यू शेयर निकल के आ गया। अब हम जो है नए पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं, और नया पार्टनर जो है वो जॉली है, तो यहाँ पे लिख देंगे जॉली न्यू शेयर। जॉली का तो बहुत आसान है, जॉली के लिए जितना सरेंडर रेशियो निकला था वो प्लस कर दो, भैया 1/8 तो जो था वो हिम ने सरेंडर किया था, प्लस कर दो 1/8 किसने सरेंडर किया था, अपना राज ने सरेंडर किया था, वो दोनों प्लस कर देंगे तो 2/8 का रेशियो निकल के आ जाएगा, अगर हम प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो हम जो है ऐसे प्लस कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से रेशियो क्या निकला, अगर हम डिनोमिनेटर को इग्नोर करें तो न्यू शेयर हमारा जो है न्यू रेशियो क्या निकला,
फोर पहले आ गया, फोर इस टू कर देंगे, टू इस टू टू, आठ हिस्से हो गए ना, तो 4 बाई 2, 4 बाई 8, 2 बाई 8 और 2 बाई हो गया, आठ हिस्से हो गए। ये हमारा न्यू शेल निकल के आ गया। अगर सरेंडर जो है आपको गिवन हो केस के अंदर, सरेंडर कर रहा है पार्टनर, पहले सरेंडर का रेशियो निकालेंगे, फिर वो सरेंडर का रेशियो जो है उसके ओल्ड शेयर से माइनस करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर निकल के आ जाएगा, और जितना सरेंडर रेशियो निकला था दोनों पार्टनर का वो प्लस कर देंगे, तो नए पार्टनर का भी शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सरेंडर गिवन हो तो इस तरीके से जो है सॉल्यूशन किया जाता है। आप यहाँ पे इसको भी जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहला केस, अगर नए पार्टनर का शेयर गिवन हो तो सबसे पहले फर्म का जो है हम प्रॉफिट 1 मानते हैं, उसमें से न्यू पार्टनर को माइनस करके रिमेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, फिर हम जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड शेयर को इनटू करके रिमेनिंग शेयर से हम जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर बात करें दूसरा केस क्या होगा कि अगर एक्वायर करे, अगर नया पार्टनर क्या करे, एक्वायर करे, परचेज करे अपना शेयर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीधा सीधा इसके अंदर जो हम जो है न्यू शेयर निकाल लेते हैं, ओल्ड पार्टनर के शेयर से जो है जितना एक्वायर किया है शेयर न्यू पार्टनर से वो माइनस कर देते हैं, वो निकल के आ जाते हैं, और जितना एक्वायर नए पार्टनर ने किया है, ठीक है, उसको हम प्लस कर देते हैं, जितना जितना एक्वायर किया है उसने परचेज किया है, तो हमारे जो है नए पार्टनर का न्यू शेयर भी निकल के आ जाता है। और थर्ड केस, जब सरेंडर रेशियो, जब सरेंडर कर रहा हो ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के फेवर में, तब कैसे निकाला जाएगा भैया, सबसे पहले सरेंडर रेशियो निकाला जाता है दोनों पार्टनर का, फिर सरेंडर रेशियो में से जो है ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में से वो सरेंडर रेशियो माइनस किया जाता है, और जो सरेंडर रेशियो निकाला था उन दोनों को प्लस करके न्यू पार्टनर का शेयर भी जो है निकाला जाता है। ये तीनों मैंने जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए, तो इन तीन केस में जो है हमारे क्वेश्चन बनते हैं, और तीनों केसेस मैंने आपको जो है अच्छे से समझा दिए एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है। अगली वीडियो में हम जो है गुडविल के बारे में पढ़ेंगे कि गुडविल क्या होती है, गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है, उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें, क्योंकि आगे आने वाली फ्यूचर में जो है मैं कॉमर्स के और कंटेंट लाऊंगा, लाइक बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैं पूरी कोशिश करूंगा लाने की। तो चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।